सरदार नोहा जनाब शारिक मेहदी साहब पढ़ लेते हो, आप सब समाज फरमा रहे थे। आइए आज़ाद, मैं बिना किसी तमीद के गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जुहैर बाराबंकी साहब से कि तशरीफ़ लाएं बारगाह शहीदान करबला में नज़ान अकीदत पेश फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जनाब सकीना के मसाब आप हजरात बराबर सुनते रहते हैं, फजाइल का गोशा निकालने की कोशिश की है, मसाब से समाज फरमाएं। क्यों लौट कर सकीना मदीने गई नहीं, क्यों लौट कर सकीना मदीने गई नहीं, समझा नहीं ये राज मुसलमान आज तक। क्यों लौट कर मदीना सकीना गई नहीं, समझा नहीं ये राज मुसलमान आज तक। मंसूबे यजीद की गर्दन पर रख के पांव जिंदा में सो रही है वो नादान आज तक। मंसूबे यजीद की गर्दन पर रख के पांव जिंदा में सो रही है वो नादान आज तक। एक नोहे की मुझसे एक नौजवान ने फरमाइश की है, और क्योंकि ऐसी फरमाइश है कि जिसे सिर्फ एक मतला और दो से दो तीन से अगर इजाज़त सरकारी इजाज़त मैं एक नौजवान ने जनाब उम्मे लैला के नौजवान की फर्म के नोहे की फरमाइश की है मुझसे समात फरमाए। था कर बबला में शह मजलूम का नोहा, किस तरह उठाऊं, किस तरह उठाऊं लाल कलाशा, मैं क्या करूं कुछ मेरी समझ में नहीं आता, किस तरह उठाऊं मैं जवालाल कलाशा, ये कैसी पड़ी मुझ पर मुसीबत की घड़ी है, पामाल मेरे सामने तस्वीर नबी है, मैं क्या आँखों में अंधेरा है दिखाई नहीं देता, किस तरह उठाऊं मैं जवालाल कलाशा, अब्बास कहाँ हो मुझे दुआ के सहारा, तुम आए हमेशा तुम्हें जब हमने पुकारा, क्यों आते नहीं हो मेरी इमदाद को भैया, किस तरह उठाऊं मैं जवालाल कलाशा, अल्लाह किसी को भी नहीं दिन ये दिखाए,
लाल कलाशा था कर बबला में।